अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इमरान अली हियर, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्रैंड ट्रंक रोड पर, जिसे कहते हैं जीटी रोड, और मेरा रुख है इस वक्त टेक्सला मेन बस स्टैंड, जिसे टेक्सला अड्डा कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ मेरे दाएं तरफ है मंडी, या मंडी मवेशियाँ लगती है और इसको कहते हैं मंडी मोड़ यू टर्न। और मेरे बाएं साइड पर जनाब वो कॉलोनी है जिसकी तरफ आज हमने विज़िट करना है, जिसे कहते हैं कोसार कॉलोनी। जी हाँ, कोसार कॉलोनी टेक्सला, तहसील टेक्सला, ज़िला रावलपिंडी, सूबा पंजाब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये कानूनी हाल ही में बनी है, कोई इतनी पुरानी नहीं है। दाएं बाएं आप देख सकते हैं अभी भी कुछ प्लाट्स खाली हैं, कुछ बने हुए हैं और नई नई तर्ज तामीर है, ये जाहिर करती है। बाकी आप किसी जगह पे भी जाएंगे तो आपको तर्ज तामीर मुख्तलिफ तरह की मिलेगी और पुराने उसमें रंग होगा, लेकिन ये नई तर्ज तामीर है, इतनी पुरानी नहीं है ये कोसार कॉलोनी। दाएं बाएं देख रहे हैं कि मकानात हैं और कुछ दुकानें भी हैं। एज सच कोई कमर्शियल प्लाजा इसमें नहीं है, कमर्शियल एरिया, लेकिन बहरहाल ये लोगों ने अपने घरों में ही इसके साथ साथ ये दुकानें वगैरह बनाई हुई है। हाल ही में चूँकि बारिश हुई है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा मज़े की सफाई नहीं है, सफाई सुथराई का निज़ाम इतना कोई अच्छा नहीं है। बारिशें चूँकि ज़्यादा हो रही हैं इन दिनों, तो फरवरी मार्च का महीना है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा सूरत हाल अच्छी नहीं है सफाई की। ये जो है ये आपके बिल्कुल सामने दाएं तरफ कोसार कॉलोनी के जो दफातर हैं वो हैं आपके सामने आगे हैं, और इसके साथ इससे आगे जो एरिया है ये कहलाता है कोसार एक्सटेंशन, यानी कोसार कॉलोनी बनाई गई थी फिर उसको एक्सटेंड किया गया था, तो अब ये उसकी एक्सटेंशन है। तो आप देखेंगे कि इसमें अभी प्लाटिंग हो रही है और अभी नया नया इस पर काम हो रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्क भी जारी है, लेकिन साथ साथ इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो जारी हो सारी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, यानी मैं किसी
कुरसार कानूनी या उसकी इंतज़ामिया के लिए काम नहीं कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ विलाग, ये एक विलाग बनाया जा रहा है। इनफैक्ट एक दोस्त की फरमाइश थी तो ये मैं विलाग बना रहा हूँ। तो अब भी टेस्ला में से कोई या हसन अब्दाल में से या वाकेंट में से एरिया में से कोई विलाग देखना चाहते हैं इस एरिया में तो ज़रूर कमेंट्स में लिखा करें। कमेंट्स में लिखते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है और इससे फिर मज़ीद बेहतर काम करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यूज़, स्टे ब्लेस्ड।